राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पिछले 19 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार दुमका लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सीता सोरेन रांची पहुंची और प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित भी किया। इस संवाददाता सम्मेलन में संबोधन के दौरान सीता सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के गुजर जाने के बाद अब तक के 14 वर्षों के राजनीतिक सफर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हमें उचित सम्मान और स्थान नहीं दिया गया। इसके साथ सीता सोरेन ने यह भी कहा कि मुश्किल हालातों में मैंने अपने बच्चों का ध्यान रखा। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक और गरीब वंचित के उत्थान को लेकर एक सपना देखा था, वह सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए 14 वर्ष तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में संघर्ष करने के बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। मोदी जी ने जिस तरह से देश और दुनिया में हमारे इंडिया का नाम को रोशन करने के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हैं, उसी उद्देश्य को लेकर के हमारे झारखंड का जो विकास है, तो मैंने यही एक रास्ता चुना है कि यहाँ का विकास होगा तो सिर्फ मोदी जी के विचारधारा से ही विकास होगा। कई ऐसे कामों को जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई, उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूँगी। आदमगढ़ प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही, ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किया, ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी।